नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं यूसी इंजन में जो कि शाफ्ट के लिए या कि गियर के लिए जो प्लास्टिक का कप दिया हुआ है, इसमें क्या दिक्कत आती है। तो ये जो कप दिया हुआ है, बेसिकली ये लुब्रिकेशन पर्पस दिया हुआ है, जबकि ये सम्प में ही रहता है या इंजन के अंदर ही रहता है, लेकिन फिर भी ये पर्टिकुलरली गियर ये किक शाफ्ट के लिए, किक शाफ्ट का जो गियर है उसी के लिए दिया हुआ है। तो इसमें ऐसे क्या दिक्कत आती है, हम इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो ये प्लास्टिक कप के फाउंडेशंस है, यहाँ पे थ्रेडिंग आता है और ये इसका किक शाफ्ट गियर है। अनफॉर्चुनेटली आज ट्राइपॉड नहीं है, और ये इसके एलन बोल्ट है, ये एसएस में आते हैं। इसके लिए आपको स्पेसिफिक एलन की ही यूज़ करनी है, और ये आपको क्लियर, आप फॉर्चुनेटली ये ख़राब नहीं हुए, नहीं तो ये अगर टूट जाते थे तो गियर बॉक्स भी टूट जाता था या क्रैंकेस भी टूट सकती थी। तो इसके लिए आपको 4 mm की यानी कि 4 mm की एलन की यूज़ करनी है, एलन टी यूज़ करनी है। एलन की वहाँ पर नहीं बैठेगी क्योंकि क्रैंकेस बीच में आ सकती है। दूसरा बात, ये इसका प्लास्टिक का पुराना कप है, आप देख सकते हैं कहाँ पे डैमेजेस हैं। टॉप पोर्शन में यहाँ पे आपको डैमेज दिख रहा है क्योंकि गियर में अटक गया था। ये कम्प्लीटली ऑफ था, यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रिक्शन की वजह से पूरा प्लास्टिक मटेरियल खा लिया है, इसमें टूटा हुआ है। बेसिकली इसमें लीकेज रहेगा तो ऑयल जो है वो गियर शाफ्ट को नहीं जाएगा, यानी कि किक शाफ्ट को नहीं जाएगा। इसके लिए आपको इसको रिप्लेस करना ज़रूरी है। ये बहुत ही सस्ती चीज़ है, लेकिन बहुत ही इसका जो उपयोग है बहुत अहमियत रखता है। ये नया उसका कप है, ये इसको इसके क्रैंकेस के ऊपर ऐसे रखना है और सिंक्रोनाइज करना है तीनों होल्स के साथ, और इसके बाद उसको टाइट करना है। लेकिन टाइट करते समय ध्यान में रखना है कि क्या एक्चुअली उसको यूज़ करना है। इसके लिए आपको थ्रेड लॉकर यूज़ करना है। एक्चुअली जब ये गाड़ी असेंबली होती है तो यहाँ पे थ्रेड लॉक यूज़ नहीं होता है, इसी के लिए ये जो स्क्रूज़ है या बोल्ट्स है, एलन बोल्ट्स है, ये गिर जाते हैं वाइब्रेशन के कारण, और इसके लिए आपको थ्रेड लॉक ही यूज़ करना पड़ेगा। कुछ और चीज़ आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। थ्रेड लॉक जो है, जब भी आपको अगर बोल्ट्स निकालने हैं तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जब तक आप नहीं निकालते हैं कोई टूल से तब तक ये ओपन नहीं होने वाले हैं। तो इसके लिए आपको थ्रेड लॉक यूज़ करना है। थ्रेड लॉक लगाते समय ध्यान में रखना है कि बोल्ट को ये जो बॉटल है, बॉटल का जो नोजल है वो टच नहीं होना चाहिए, यानी कि लिक्विड जो है वो टच नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब लिक्विड ड्रॉप डालते हैं वो टाइम पे अगर उसको टच होता है तो लिक्विड उसके माउथ पीस पे ख़राब होने का चांसेस रहता है। इसी के लिए इसको एग्जैक्टली थ्रेड के ऊपर आपको ड्रॉप गिराना है। अगर आप ड्रॉप गलती या अगर आप नोजल जो है वो बोल्ट को टच करेंगे तो वहाँ का जो माउथ पीस है वो हार्ड हो जाता है इमीडिएटली। इसका एक खासियत ऐसी है कि मेटल पे डालने का ये हार्ड होता है, सो मेटल का जो टच है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हैं मैंने बहुत ऊपर से रख के फिर इसको ड्रॉप डालने वाला हूँ। आज अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ट्राईपॉड नहीं है, इसके कारण आपको दिखाते समय काफ़ी कैमरा ऑफसेट हो रहा है और मैं एक हाथ से काम नहीं कर पा रहा हूँ। फिर भी मैं आपको ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि आज टाइम आ चुका है आपको ये चीज़ दिखाने के लिए। फॉर्चुनेटली ओपन था इंजन। जो ड्रॉप मैंने डाला है वो मैं स्प्लिट करने वाला हूँ क्योंकि ये ज़्यादा है। आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर ड्रॉप डाला है और उसके एकदम सिरे पे डालना है, बीच में नहीं डालना है, क्योंकि सिरा ही उसका जो है वो थ्रेड में अंदर जाने वाला है। ये जो लिक्विड रहता है ये हार्ड हो जाता है बाद में, जब तक आप उसको निकालते नहीं है कोई टूल से तब तक ये नहीं निकलेगा। इसी के लिए आपको थ्रेड लॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं स्प्लिट करने वाला हूँ क्योंकि इतना एक बोल्ट के ऊपर ज़रूरत नहीं है। और ध्यान में रखना है इसको बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है और लूज़ भी नहीं रखना है क्योंकि ये प्लास्टिक है। भले प्लास्टिक को डिस्टेंस पीस दिया है अंदर से, यानी कि प्लास्टिक का जो थिकनेस है वो काफ़ी बड़ा है, बट फिर भी इसको एक हैंड टाइट करना है, ओवर टाइट नहीं करना है। इसी तरीके से तीनों बोल्ट्स को आपको फिटिंग करके लेना है।
ये कप बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो ऑयल रुकता है तो किक शाफ्ट को बहुत सारा ऑयल लगता है क्योंकि इसके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा रहता है। एक्सेसिव मैंने जो गलती से गिर गया था क्रैंकेस के ऊपर, ध्यान में रखना अंदर नहीं गिरना चाहिए, इसी के लिए मैंने बाहर रखा था। ये इसका तीसरा बोल्ट है। इसको थोड़ा सा लगाना है और फिर तीनों को एक साथ टाइट करना है। चार नंबर की एलन टी लगेगी, एलन की के जगह एलन टी लेना है आपको ताकि आपको एक्सेस मिले अच्छे से टाइट करते समय। या आप रैचेट यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास छोटा सॉकेट बॉक्स है या रैचेट बॉक्स है तो। अच्छे से तीनों को टाइट करना है और यहाँ पे आपको रुक जाना है ताकि वो ड्राई हो जाए। ये जब ड्राई होता है तो पाउडर बन जाता है और थोड़ा सा हार्ड बन जाता है अंदर की साइड में, जिसकी वजह से बोल्ट्स जो है वो जल्दी निकलते नहीं है वाइब्रेशंस के कारण। लेकिन जब तक आप टूल यूज़ नहीं करते तब तक नहीं निकलेगा, जब आप टूल यूज़ करेंगे तो ये आराम से निकल सकता है। बहुत ही आसान तरीका है लेकिन इसी चीज़ की वजह से आपके काफ़ी सारे स्पेयर्स जो है वो बच सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कैविटी है यहाँ पे वो बोल्ट्स, तीनों जो बोल्ट्स हैं ये नीचे गिरे हुए थे और प्लास्टिक का कप बीच में अटका हुआ था, जिसकी वजह से प्लास्टिक का कप जो है वो घिस गया था। मैंने आपको दिखाया हुआ है वो। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी। ये कुछ चीज़ें वाइटल रहती है तो इसमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जब आप काम करते हैं। तो इसको कैसे क्लियर करना है, ये प्रॉब्लम को कैसे क्लियर करना है अभी आपने वीडियो में देखा। आई होप दोस्तों ये आपको वीडियो अच्छा लगा रहेगा।